हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेवदर सिरोही से बड़ी खबर। खाद्य सुरक्षा के तहत वितरण किए जा रहे गेहूं को लेकर विधायक ने किया निरीक्षण। राशन उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायत के तहत रेवदर गणेश ग्राम सेवा सहकारी सोसाइटी में वितरण किए गए खराब गेहूं की शिकायत पर क्षेत्रीय विधायक ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपलब्ध गेहूं सही पाए गए। वहीं राशन विक्रेता से मालूम करने पर राशन विक्रेता द्वारा बताया गया कि कुछ कट्टों में खराब गेहूं आए थे, उनका वितरण हो जाने की वजह से लोग आक्रोशित हो गए थे। उसी के तहत उन गेहूं को वापस बदल कर उन्हें दूसरे गेहूं देने के लिए कहा गया। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार आज दूसरे दिन भी गेहूं वितरण में अव्यवस्थाओं का आलम दिखा, जहां धारा 144 का खुले आम उल्लंघन करते हुए दर्जनों की संख्या में लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खड़े हुए दिखे। कोरोना वायरस की बीमारी को लेकर काफी लापरवाही बरतने को देखने को मिली। बार बार प्रशासन के द्वारा अवगत करने पर भी जनता जागरूक नहीं मालूम हुई। वहीं भीड़ के रूप में काफी संख्या में राशन डीलर के वहां लोग खड़े रहे। क्षेत्रीय विधायक जक्सीराम कोहली ने भी उनको निर्देश जारी किए और राशन विक्रेता को भी पाबंद किया। कोरोना की रोकथाम के प्रयास को लेकर सचेत रहने हेतु निर्देशन किया राज्य सरकार द्वारा आदेश के घर घर जाकर राशन वितरण को लेकर। जानकारी मांगने पर राशन विक्रेता ने बताया कि अभी तक हमारे पास में ऐसी कोई सूचना नहीं आई है जिसके तहत हम घर घर जाकर गेहूं आवंटन करें। इसी बात को लेकर गणेश ग्राम सेवा सहकारी सोसाइटी लिमिटेड के आदेश ओम प्रकाश पालीवाल वहां मौके पर पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक के द्वारा उनसे इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी तक हमें इस प्रकार की कोई आदेश नहीं जारी की गई है और आदेश के आते ही हम घर घर जाकर गेहूं वितरण करवाने की व्यवस्था करेंगे। जागरूक टीवी से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। कल की जो घटना है भंडार में एक नाथ समुदाय के एक बालक जो बीमार था उनको परमिशन लेने के लिए भंडार गए बॉर्डर पे तो रेवदर भेजे, वापिस मंडार गए और बीच में प्रशासन पुलिस विभाग के लोग कुछ मिले, मंडार थानदार जी मिले, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर कोई परमिशन नहीं है और जाते जाते ही रात में उन्होंने कल में दम तोड़ दिया। तो एक तरफ तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई परमिशन की आवश्यकता नहीं मरीजों के लिए गुजरात में जाने के लिए और हवाई लूट रहे हैं, तो मैं यही समझता हूँ कि ये इस तरह की राजनीति न करें। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।